हाँ जी बच्चे, सभी के पास बुक्स हैं? कंप्यूटर की बुक्स है सभी बच्चों के पास? यस मैम। ओके, तो अपनी बुक का पेज नंबर 17 ओपन करो सभी, और वीडियो ओपन करो सभी। सभी दिखने चाहिए मुझे। हाँ जी बच्चे, राजवीर आप दोनों सिस्टर्स से साथ में क्लास लगाते, दोनों 7th में हो? मैम 8th में है। ओके, आप सॉरी 8th में हो दोनों, ऐशवीर और राजवीर? यस मैम ओके ठीक है। ऐशवीर आपकी आईडी 2937 है ना, यस मैम और राजवीर 2935, यस मैम दोनों सिस्टर्स ठीक है? यस मैम ओके ठीक है बेटा। हाँ जी चलो ओपन कर लिए अपनी बुक्स। यस मैम ओ, तो सबसे पहले ए सेक्शन में क्या दिया हुआ है आपको, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट। हाँ जी, तो देखो ध्यान से सुनो, डैश डिस्क्राइब्स अ कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, ठीक है? तो नेटवर्क के साथ क्या कनेक्ट होता है, क्या ऑप्शन आएगी इसमें? ए नोड, बी डिवाइस, सी यूनिट और डी अटैचमेंट। क्या आएगा बेटे इसमें से, कौन से ऑप्शन पे टिक करोगे बताओ? पढ़ा है ना आपने? महक नूर आप अभी आए हो? महक नो मैम ओके हो गई आपकी अटेंडेंस ना, ठीक है बेटा। बताओ बेटा। हाँ जी बच्चे, जो आप क्लास लगा रहे हो, आप सभी सुबह वाली अटेंडेंस भेजते हो जो 8 से 9:30 पे लगती है? यस मैम यस ओके ठीक है। सभी पहले अपने आप को अनम्यूट करो और मुझे आंसर बताओ, फर्स्ट का क्या आएगा? डिस्क्राइब्स अ कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, कौन सी ऑप्शन आएगी? मैम डिवाइस और बताओ, किसी को मालूम हो? हाँ जी, क्या आएगा? डिवाइस और मैम डिवाइस मैम डिवाइस सभी का डिवाइस है बेटा, इसमें यस नोड मैम आएगा, NODE नोड, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पे टिक करो। कर लिया सभी ने? यस मैम ऑप्शन ए पे डिवाइस नहीं आएगा, नोड आएगा, ठीक है? ओके मैम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स अक्रॉस अ सिटी कैन बी कॉल्ड अ, क्या आएगा इसको ऑप्शन? मैम लैंड, लैंड कैन लैन, वैन, मैन एंड कैन, क्या आएगा? मैम मैन आएगा, कैन जो सिटी मैम क्रॉस होता है बेटा, क्या होता है वो? मैन होता है। लैंड लैन एरिया, लैंड तो ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में यूज होता है, ठीक है? वैन क्या हो गया? वाइड एरिया। मैन सिटी में करते हैं हम, ठीक है? तो क्या आएगा ओके ऑप्शन मैम सी, मैन, मैन MAN, मैन। क्लियर है, लिख लिया सभी ने? यस मैम यस मैम ओके नेक्स्ट। डैश कैन कन्वर्ट द डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा। हाँ जी, क्या आएगा इसका? हब, राउटर? मॉडर्न यस, क्या आएगा? मॉडर्न मॉडम आएगा। मॉडर्न मॉडम डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल्स में क्या करता है? कन्वर्ट करता है, मॉडम, ठीक है? तो ऑप्शन बी। क्लियर है बेटा? यस मैम ओके नेक्स्ट है। अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कैन बी यूज्ड ओनली विद विद इन एन ऑर्गेनाइजेशंस इज कॉल्ड, हाँ जी इसमें क्या आएगा? इंटरनेट, इंट्रानेट, बोथ ए एंड बी, प्लीज। इंटरनेट इंट्रानेट कंप्यूटर इंटरनेट नेटवर्क जो कि हम ओनली ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, कौन सा होता है वो? इंट्रानेट। इंट्रानेट 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 कौन सा नेटवर्क इंटरनेट होता है? इंट्रानेट, ठीक है? क्लियर इंट्रानेट बेटा? यस मैम
Okay, next है a and dash address is a unique identification number assigned to a computer connected to a network. कौन सा network connected होता है? IP, web, permanent, local. IP. IP. क्या आएगा? IP. ठीक है ऑप्शन ए. IP. पढ़ते हो इसका मतलब आप सभी तो है ना? कल तो yes ma'am. मैंने सबने पढ़ ली थी बुक. Yes ma'am. तो मैम yes, वीडियो डालते हैं जहाँ जूम क्लास लगाते हैं बाद में आप सभी बुक रीड करते हो? यस मैम. यस मैम. हाँ बच्चे बुक रीड करा करो जब टीचर ने करवा दिया फिर उसको खुद रीड करा करो उसका मीनिंग्स क्या होता है क्या बोलते हैं फिर समझ में आएगा ठीक है तभी आप ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर कर पाओगे अगर खुद पहले रीड करोगे. क्लियर है बेटा? ओके मैम. हाँ जी ऑप्शन फाइव में क्या है? ए आईपी. ठीक है टिक करो सभी इसमें. कर लिया सभी ने? यस मैम. ओके नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स सेक्शन बी में राइट ट्रू फॉर ट्रू एफ फॉर फॉल्स. ठीक है ट्रू लिखना है तो टी लिखोगे फॉल्स लिखना है तो एफ लिखोगे. क्लियर है बेटा? यस मैम. हां जी तो फर्स्ट वाला क्या है? मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल. क्या मॉड्यूलेशन है? ट्रू मैम. ट्रू. ओके मैम. ट्रू. ओके क्या आएगा? ट्रू. ठीक है तो सभी ट्रू टी डाल लो. डाल लिया सभी ने? यस मैम. ओके नेक्स्ट है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज रेडियो फ्रिक्वेंसी टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. क्या जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होती है? फॉल्स. फॉल्स है मैम. रेडियो फ्रिक्वेंसी द्वारा टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर करता तो है बेटा. रेडियो फ्रिक्वेंसी ही यूज करते हैं हम ब्लूटूथ के लिए. इसका ट्रू आएगा फॉल्स नहीं आएगा. सभी ट्रू लिखो. लिख लिया सभी मैम? यस मैम. नेक्स्ट है नंबर थ्री थ्रू कंप्यूटर नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड अमंगस्ट द पीपल. जो नेटवर्क है मैम ट्रू. बच्चे इसमें थोड़ा सा ट्रू नहीं आएगा इसका. ये अमंगस्ट पीपल के साथ लिखा हुआ है तो इसके लिए ये फॉल्स आएगा. क्या होना चाहिए पीपल के लिए? बेटा क्या आएगा इसका? फॉल्स होगा. कंप्यूटर्स में कम्युनिकेशन होती है पीपल्स में नहीं होती. ठीक है ओके मैम. इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर करते हैं. ठीक है कंप्यूटर टू पीपल नहीं करते. तो क्या आएगा? फॉल्स. एफ डालो. मैम डाल दिया. डाल दिया सभी ने? यस मैम. यस मैम. नंबर फोर इन बस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल कॉमन पाथ. ट्रू. हाँ तो क्या आएगा इसका? ट्रू. ठीक है बेटा ट्रू आएगा इसका. ठीक है सिंगल नोड के साथ कनेक्ट होती है बस टोपोलॉजी. नेक्स्ट नंबर फाइव अ सर्वर इज आल्सो कॉल्ड अ होम कंप्यूटर. ट्रू. ट्रू. क्या आएगा? ठीक है बेटा तो आपके ये ट्रू फॉल्स हो गए हैं. मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ जिसके नहीं लिखा वो लिख लो. नंबर वन का क्या आएगा? ट्रू. टू का आएगा? ट्रू. थ्री का आएगा? फॉल्स. फोर का आएगा? नहीं बेटा थ्री का फॉल्स है. ट्रू किसने बोल दिया? थ्री का फॉल्स आएगा बेटा. फोर ट्रू. फाइव का ट्रू. ओनली थ्री फॉल्स है और सभी का क्या है? ट्रू है. ट्रू. क्लियर है बेटा? हाँ जी नेक्स्ट सेक्शन. यस मैम. सेक्शन सी पे आते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है फिल इन ब्लैंक्स ऑप्शन भी दी गई है आपको. फर्स्ट देखते हैं डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स
that governs the communication between computers on a network. Protocol. Very good. तो क्या आएगा इसका? Protocol. Protocol. लिखो protocol उसमें सभी. बच्चे सिर्फ अभिजीत, राजवीर और आशवीर की वीडियो शो हो रही है और कोई वीडियो शो नहीं कर रहा अपनी. लिख भी रहे हो तो वैसे ही सुन रहे हो. सभी अपनी वीडियोस ओपन करो. मैम लिख रहे हैं. वीडियोस ओपन करो सभी बच्चे अपने. हाँ जी ऋषभ, महक, आशप्रीत, लवप्रीत, हर्षप्रीत, ओपन करो सभी वीडियो. मैं भी देखूं आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो. वेरी गुड, करो बेटा सभी करो. मुझे भी मालूम चले मैं किनको पढ़ा रही हूँ. बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ तो मम्मी पापा को पढ़ा रही हूँ आपके. ठीक है ना? हाँ जी बच्चे. नेक्स्ट नंबर टू. डैश इज अ प्रोटोकॉल यूज टू सेंड ईमेल मैसेज ओवर द इंटरनेट. कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं ईमेल सेंड करने के लिए इंटरनेट पे? SMTP. कौन सा? SMTP. फुल फॉर्म क्या है बच्चे? आपने पढ़ी होगी. बुक नहीं ओपन करनी, पीछे नहीं जाना, ऐसे ही बताओ. पढ़ा है ना? बोलो, करो बुक ओपन. अब क्या लिखा है पढ़कर बताओ. SMTP की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इसमें क्या आएगा? प्रोटोकॉल. SMTP इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड टू सेंड ईमेल मैसेज ओवर द इंटरनेट. इंटरनेट पे सेंड कर लीजिए तो यूज करते हैं. SMTP पे सेंड कर लीजिए. SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. क्लियर है बेटा? लिख लिया सभी ने? यस मैम. हाँ जी लिख लिया सभी ने? यस मैम. हैंड रेज कर दिया करो. ठीक है, भी सभी ने लिख लिया. ओके मैम. नेक्स्ट नंबर थ्री. डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू कनेक्ट एंड फैसिलिटेट ट्रांसफर टू इंफॉर्मेशन बिटवीन टू नेटवर्क्स. हाँ जी मैम. रूटर. क्या आएगा मैम? रूटर. रूटर नहीं होता, राउटर. हाँ जी, इसका ऑप्शन क्या आएगी? राउटर. R-O-U-T-E-R. राउटर लिखो सभी. राउटर लिख लिया? हाँ जी. यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. ओके बेटा. हाँ जी. नेक्स्ट नंबर फोर. इन द टोपोलॉजी एवरी नोड इज कनेक्टेड टू ईच अदर नोड. मेश. क्या आएगा? मेश. 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 MESH. मेश. मैश टोपोलॉजी एवरी नोड इज कनेक्टेड टू ईच अदर नोड्स. ठीक है, सभी एक दूसरे के साथ नोड्स के साथ क्या होती है? कनेक्ट होती है. लिख लिया सभी ने? यस मैम. ओके ठीक है. नेक्स्ट नंबर फाइव एंड लास्ट. डैश इज एन एक्सपेंशन कार्ड विच इज यूज टू प्रोवाइड द नेटवर्क एक्सेस टू अ कंप्यूटर. इसमें क्या आ जाएगा? NIC. NIC. तो अब NIC की मुझे फुल फॉर्म बताओ क्या होती है. बताओ बेटा. NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. हाँ ठीक है बेटा. तो आपको ना ये फुल फॉर्म्स भी सभी को याद होनी चाहिए. क्लियर है? तो लिख लिया सभी ने? यस मैम. ओके ठीक है. तो आपकी फिलअप्स कंप्लीट होती है. तो नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. ठीक है.
ठीक है, करते हैं हम। तो सबसे पहला कौन सा है? व्हाट इज अ प्रोटोकॉल? अपने बुक पे बैक पेज पे जाओ, पेज नंबर 16, ठीक है, पेज नंबर 16 पे आप, तो बताओ आप क्या लिखोगे इसमें? व्हाट इज प्रोटोकॉल, क्या आंसर आएगा इसका? प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल इज कम्युनिकेशन बिटवीन द Protocol is a set of rules that governs the communication between the computers on a network. और लिखोगे इसमें? कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये? 2 मार्क्स का। इनफ है ना 2 मार्क्स के लिए एक लाइन? यस मैम। ठीक है, तो लिखो अपनी बुक पे बेटा, पेंसिल के साथ लिखो सभी बच्चे। Protocol is a set of rules that govern the communication between the computers over a network. सभी लिखकर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन शो करोगे, लिखकर शो करो सभी बच्चे जो क्लास लगा रहे हैं। हाँ जी, सभी का देखना है मुझे। पेंसिल के साथ लिखो और दिखाओ मुझे क्या लिखा है आपने। हाँ जी गोविंद, आप अभी ऐड हुए हो? मैम यस। ओके बेटा, करो जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला है, ढूंढो अपनी बुक से, लिखो जो अभी बोल दिया ना मैंने आपकी बुक। प्रोटोकॉल जो टॉपिक है उसमें फर्स्ट लाइन है, वो राइट डाउन करो अपनी बुक पे, सभी शो करो मुझे भी। लिख लिया आपने? ओके, परनीत कौर ने लिख लिया, ठीक है बेटा। और हाँ जी, ओनली प्रीत परनीत कौर ने दिखाया है मुझे और किसी ने नहीं दिखाया। एशवी राजवीर ने भी दिखा दिया, ठीक है बेटा। मैकनूर ने भी दिखा दिया, ठीक है। ऋषभ, हर्षप्रीत, अर्शप्रीत, गोविंद, आपने नहीं लिखा? लिखो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लिखो बेटा जल्दी। हाँ जी अश्विन, ठीक है बेटा। ओके हर्षप्रीत, आपने नहीं दिखाया बेटा। गोविंद शाही, शाही ओके। फर्स्ट क्वेश्चन डन है सभी का? यस मैम। ओके यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द वेरियस कंपोनेंट्स नीडेड फॉर अ कंप्यूटर नेटवर्क। ढूंढो कहाँ पे है पहले आप। पेज नंबर 8 पे मैम। ओके, अंडरलाइन करो, कितना लिखोगे इसको, क्या क्या लिख सकते हैं? सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, मैसेज, प्रोटोकॉल। ओके ठीक है, और क्या क्वेश्चन है आपका? द नेम वेरियस कंपोनेंट्स नीडेड फॉर अ कंप्यूटर नेटवर्क। पेज नंबर कौन सा बोला था? 8 मैम। 8 ठीक है, लिखो सभी। द कंपोनेंट्स नीडेड, सभी लिखो बेटा, मैं बोल रही हूँ आप लिखोगे, ठीक है, बुक पे लिखो। द कंपोनेंट्स नीडेड फॉर अ नेटवर्क आर, ब्रैकेट में लिख लो NIC फुल स्टॉप। द कंपोनेंट्स नीडेड फॉर अ नेटवर्क आर
ब्रैकेट में लिखोगे एनआईसी, कैपिटल में लिखोगे एनआईसी, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ ही लिखो नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कोमा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कोमा, नेटवर्किंग केबल कोमा, नेटवर्किंग केबल कोमा, हब एच यू बी हब, और अ स्विच हब, और अ स्विच एस डब्ल्यू आई टी सी एच अ स्विच, एंड राउटर, एंड राउटर। लिख लिया सभी ने? यस मैम। रीचेक करो, मैं दोबारा बोल रही हूँ। द कंपोनेंट्स नीडेड फॉर अ नेटवर्क आर एन आई सी, कैपिटल में लिख क्या लिखोगे एन आई सी ब्रैकेट में, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कॉमा, नेटवर्किंग केबल कॉमा, हब और अ स्विच एंड राउटर। लिख लिया सभी बच्चों ने? यस मैम। ओके, शो मी, यस मैम, शो मी योर क्वेश्चन नंबर टू। हां जी, महक ने कर दिया, अर्शप्रीत ने कर दिया, प्रनीत ने कर दिया। ओके, ठीक है बेटा, ठीक है, प्रनीत ने कर दिया, राजवीर कौर ने भी कर दिया। ओके, ठीक है बेटा। हाँ जी, और गोविंद शाही आपने नहीं करना, लिख ही नहीं रही हो आप। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। डिफाइन क्लाइंट एंड सर्वर, पेज नंबर 8P है आपका, क्लाइंट एंड सर्वर। क्या लिखोगे आप इसमें, पहले अंडरलाइन कर बताओ मुझे, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। हाँ जी बेटा, अंडरलाइन कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, क्या आएगा पहले, आप क्या लिखोगे, क्लाइंट, क्लाइंट में क्या लिखोगे? इट इज ए कंप्यूटर विच डिपेंड्स ऑन द सर्वर फॉर ऑल रिसोर्सेज। और एक लाइन इसमें ऐड कर लो, लिखो सब, मैं बोलती हूँ बेटा, सबसे पहले क्लाइंट लिखो, लिख रहे हो सभी? यस मैम। ओके, लिखो क्लाइंट में, लिखो क्लाइंट, हेडिंग वालो क्लाइंट, ठीक है। डेफिनेशन लिखो, इट इज अ कंप्यूटर, इट इज अ कंप्यूटर विच डिपेंड्स ऑन, विच डिपेंड्स ऑन द सर्वर फॉर ऑल द रिसोर्सेज। इट इज अ कंप्यूटर विच डिपेंड्स ऑन द सर्वर फॉर ऑल द रिसोर्सेज। लिख लिया ये लाइन आपने? Yes. लिख लिया? Yes, ma'am. Okay, next इसी में लिखो, client में next line, every client on the network, every client on the network can assess a double c e double s, can assess the excel e x c e l
Excel program from the server. Excel program from the server. लिख लिया सभी ने client? ओके नेक्स्ट लिखो सर्वर. सर्वर में क्या लिखोगे? हाँ जी बेटे लिखो बेटा, अंडरलाइन कर लो आप अभी बुक में, टाइम आपको होने वाला है. ठीक है, अंडरलाइन करो अपने बुक में, पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है ना सर्वर. यस मैम. हाँ जी, तो लिखो अंडरलाइन करो. अ सर्वर इज आल्सो कॉल्ड होस्ट कंप्यूटर. अ सर्वर इज आल्सो कॉल्ड होस्ट कंप्यूटर. It controls the access to the hardware and software on the network. On the network. ठीक है बेटा? Yes, ma'am. It provides a centralized storage area for the programs, data and information. फर्स्ट पैरा दिया गया ना स्टार से पहले, डाटा एंड इंफॉर्मेशन तक ये सर्वर लिखोगे आप. यस मैम. ओके मैम. बुक पे राइट डाउन कर लेना है. ओके मैम. क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी करो. व्हाट इज टोपोलॉजी? व्हाट इज टोपोलॉजी? क्या लिखोगे टोपोलॉजी में आप? अंडरलाइन कर लो. Topology refer to the geometric arrangement of computer or nodes in a network. The factor that determine the type of topology host and reliability. ठीक है, यहाँ तक करोगे आप? ओके मैम. टोपोलॉजी से दो लाइन है ना इसमें, रिलायबिलिटी तक. यस मैम. एंड रिलायबिलिटी यहाँ तक लिखोगे? यस मैम. लिखो अभी तो मैम. हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनो, आपके डी सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है, तो आज शाम को सभी ने ये डी सेक्शन अपनी बुक वर्क है ना, डी सेक्शन तक ये बुक वर्क आपने राइट डाउन कर कर शाम को 4 बजे से 5 बजे तक ग्रुप ओपन होता है उसमें डालोगे पिक. ठीक है, जो आपने काम आज किया है मैम उसकी पिक आप 4 to 5 o'clock तक डाल दोगे. क्लियर है बेटा? जिसकी नहीं आएगी उसकी एब्सेंट लग जाएगी. ओके मैम. जो ये 4 क्वेश्चंस हैं ये मैम बुक भी करने हैं? हाँ, 4 क्वेश्चंस तो बुक भी होते हैं. ठीक है, पहले बुक पे कर लेना फिर नोटबुक पे डाल दूंगी. ठीक है बेटा? ओके मैम. ओके मैम. ओके बाय बेटा, हैव अ गुड डे. बाय मैम. बाय जी. हां हुन बाय जी निकले आया, पहला नहीं बोल रहा सी.